वृंदावन में दुनिया भर से लोग आते हैं। साधारण नहीं है वो लोग, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना ठाकुर की मर्जी के कोई वृंदावन जा नहीं सकता है। मंदिर में तो भीड़ होती ही होती है, लेकिन कुंज की गलियां लोगों से भरी रहती है। सब ठाकुर के प्यारे हैं, सबको राधा रानी अत्यंत प्रेम करती है। बिना उसकी मर्जी के कोई वृंदावन नहीं जा सकता, ऐसा समुद्र शास्त्र में लिखा है। एक प्रसंग सुना रहा हूं, अद्भुत प्रसंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, जयपुर की रहने वाली सृष्टि शुक्ला। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये प्रोफेशन है उनका। ठाकुर जी की भक्त हैं, बेहद प्यार करती हैं ठाकुर जी से। अपने परिवार के साथ वृंदावन गई, पति पत्नी और बेटा। वृंदावन पहुंचे तो भीड़ देखी, भीड़ थोड़ी नहीं होती वहां, कुंज की गलियां लोगों से भरी होती हैं, बहुत भीड़ होती है वहां। सब ठाकुर के चाहने वाले, सब प्रेमी हैं, चारों तरफ राधे 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 राधे, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, ये आवाज गूंजती रहती है। उसी भीड़ में ये परिवार जा रहा था। सृष्टि बताती है कि एक वृद्ध औरत आई, उसने मुझसे कहा कि अपना हाथ दिखाओ। मैंने हाथ खोला, उसने तुलसी के दो पत्र मेरे हाथ पर रख दिए। उसके बाद वो बोली कि दक्षिणा दो। मैंने पर्स में हाथ डाला और मेरे पास 10 रुपए थे। मैंने वो 10 रुपए उस वृद्धा को दे दिए। पैसे दे तो दिए, लेकिन मन में एक बात घूमती रही कि इतनी महंगी तुलसी, इतनी महंगी वृंदा, ठाकुर जी तेरे शहर में इतना महंगा है सब कुछ, हर चीज पैसे से हो रही है, सब जगह कुछ भी मांग रहे हैं तो पैसा 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 पैसा। तुलसी के 2 पत्ते 10 रुपए के। ये बात सोचते 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 कुंज की गलियों से पहुंची ठाकुर जी के मंदिर। दिमाग में ये बात घूमती रही। कई बार ऐसा होता है कि हम दान कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अरे ये तो ज्यादा हो गया, मन में दुख पहुंचता है, तो कृपया ऐसा दान ना करें। लेकिन सृष्टि के साथ ही अचानक से हुआ था, तो सृष्टि 10 रुपए दे आई थी, मन में घूमता रहा। उसके बाद जब मंदिर में पहुंची तो देखा कि भीड़ है, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि लग रहा था कि दर्शन होंगे ही नहीं। पति पत्नी और बेटा बड़ी मुश्किल से आगे जाने का प्रयास करने लगे, और वहां इतनी भीड़ होते हुए भी सब कोई ठाकुर के दर्शन कर लेते हैं, सब कोई ठाकुर से मिल लेते हैं। चाहे भीड़ कितनी भी हो, कुछ देर के बाद लगता है कि हम अकेले ही हैं, भीड़ महसूस ही नहीं होती जब ठाकुर को देख लेते हैं। जब वहां दूर से ठाकुर जी की आंखें दिखती हैं तो आंखें अपनी तरफ खींचती हैं, और वो ऐसे खींचती कि आपको पता नहीं लगता कि आप कब भीड़ चीर करके ठाकुर के सामने पहुंच गए। आपको पता नहीं लगता कि भीड़ कितनी थी, आप ठाकुर में खोए रहते हैं और ठाकुर आपको देखते रहते हैं। सृष्टि भी आगे बढ़ रही थी, ठाकुर जी को देख रही थी। इतनी भीड़ थी उसके कारण मन में फिर से सवाल आ रहा था कि भीड़ भी कितनी है, कैसे लोग आते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है यहां। ऊपर से 10 रुपए ले लिए, वो भी 2 तुलसी के पत्र के। मन में ये चल ही रहा था, इतने में सामने देखती है ठाकुर जी को। पास में गोस्वामी जी खड़े, उनके हाथ में एक बड़ी सी माला है, तुलसी की माला, वृंदा की माला, इतनी बड़ी माला कि पूरा आदमी खड़ा हो जाए, करीबन करीबन 6 फिट की। इतनी बड़ी माला गोस्वामी जी के हाथ में, जो बिहारी जी की माला है। और यहां मन में ये सवाल चल रहा है कि इतना महंगा हो गया है तुलसी का पत्र कि 2 पत्र 10 रुपए में आए। मन में ये दुविधा चल रही है। इसी दुविधा के बीच में ठाकुर जी को देखती है, और उधर से गोस्वामी जी वो 6 फुट की तुलसी की माला इतनी भीड़ में फेंकते हैं, और माला आकर के गिरती है सृष्टि के गले में। सृष्टि देखती रह जाती है, वो 2 पत्र के बारे में सोच रही थी, अब करोड़ों पत्र हैं तुलसी के। वो ठाकुर है, किसी का हिसाब रखता नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, सबके मन की बात जानता है। वहां कोई चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी कहता है प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु मैं यहां दुखी हूं, प्रभु मैं वहां दुखी हूं।
सब मन में सोचते हैं और मन की सुनता है, सबके मन की सुनता है। जिसके मन में जो चल रहा होता है ठाकुर सब सुनते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। सृष्टि की आंखों में अश्रु आते हैं, पहली बार उसे लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो अद्भुत चमत्कार है, ठाकुर मेरे मन की बात सुन रहे थे। इसलिए जब भी ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, जब भी ठाकुर जी के पास जाओ, या ठाकुर जी को ध्यान करो, उनके सामने आराधना करो, तो हमेशा वो सोचना जो सच में आप सोचना चाहते हैं। आप ठाकुर जी से बोलना कि मुझे उस योग्य बनाए जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर मुझे भेजा है, मुझे वो क्षमताएं दे जिसके लिए आपने पृथ्वी पर मुझे भेजा है, ताकि मैं सारे कार्य पूर्ण कर पाऊं। सृष्टि बताती है कि उसके बाद हुआ यूं, ये ठाकुर जी को अपना भाई मानती है। रक्षाबंधन का दिन था, सुबह राखी बांधी, ठाकुर जी को तिलक लगाया और ठाकुर जी से कहा कि आज रक्षाबंधन का दिन है, मेरे भैया हमेशा मेरी रक्षा करना, मेरे साथ रहना, मुझे राह दिखाना, सदैव मेरे साथ रहना। राखी का दिन था, कुछ मेहमान घर पर आए थे, मेहमानों को लेकर के ये लोग घूमने चले गए। जैसा कि मैंने बताया कि सृष्टि जो है ज्योतिष शास्त्र जानती है, न्यूमरोलॉजी जानती है, वास्तुशास्त्र जानती है, तो दिन का हर पहर हर पल अपनी कुंडली देखकर चलती है, ये आदत में है। उस दिन भी देखकर चली थी। सब लोग कार में हैं, आगे से देखते हैं एक बाइक आ रही है, बाइक डगमगा रही है, जोर से आ रही है, इधर से कार भी स्पीड में है, संभाल नहीं पाते हैं और बाइक आकर के कार में टकराती है, कार में उस तरफ टकराती है जिस तरफ सृष्टि बैठी होती है। कार रोकने की कोशिश की जाती है, टायर बस्ट हो जाता है, बाइक टकराती है, बाइक सवार जो है दूर जाकर गिरता है, बाइक पर दूध था वो सारा दूध गिर जाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये लोग भी गाड़ी से उतरते हैं, किसी को चोट नहीं लगी है, खरोच नहीं आई है, बस टायर बस्ट हुआ है। जाकर उस आदमी को देखते हैं, वो भी सुरक्षित है लेकिन बहुत ज्यादा शराब पिए हुए, वो गलती में था, उसने गुनाह किया था, उसको तो उसका परिणाम मिला, लेकिन सृष्टि को याद आया कि सुबह ठाकुर जी को उसने कहा था कि मेरे भैया मेरी रक्षा करना, हमेशा मेरे साथ रहें, सदैव मेरे साथ रहें। वो ईश्वर है, सबके मन की बात सुनता है। सृष्टि ने देखा कि दूसरी बार ये हुआ है। सृष्टि बताती कि ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे साथ हुए, मुझे ठाकुर जी की उपस्थिति महसूस होती, सारे ग्रहों सारे नक्षत्रों का स्वामी मेरा ठाकुर है, हम सबसे बेहद प्रेम करता है, हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास हमेशा प्रगाढ़ होना चाहिए, मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उस बाइक वाले को उठाया, पुलिस आई, मामला थोड़ी देर में रफा दफा हुआ, क्योंकि बाइक वाले की गलती थी, ईश्वर का शुक्र था कि किसी को कोई चोट नहीं आई थी। सृष्टि बताती है कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठाकुर जी वहां पर थे, गाड़ी पर खरोच भी नहीं आई थी, बस टायर बस्ट हुआ था, मेरे ठाकुर जी की वहां भी उपस्थिति थी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं होता, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। वो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, ईश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है। हम कौन होते हैं जानने वाले, या ये कहने वाले कि तू आ और हमें अनुभव करवा। हम कौन होते हैं अपने ठाकुर की परीक्षा लेने वाले। उसकी अनुभूति तो आपको पल प्रतिपल होगी, उसके चमत्कार तो आपको हर समय दिखाई देंगे। जब आप विश्वास प्रगाढ़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके चलने वाली सांसें कोई साधारण नहीं है। इतना बड़ा संकट इस दुनिया पर आया, इतनी बड़ी महामारी आई, उसके बाद भी आप जीवित हैं, तो यही चमत्कार है। ईश्वर का हर पल धन्यवाद कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, आपके जीवन का कोई मकसद है, इसलिए आप इस पृथ्वी पर हैं। उस मकसद को याद कीजिए। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में सहयोग दीजिए। खुद खुश रहिए और सबको खुश रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।